लगातार शेर शाह सूरी के इस मकबरे के बारे में आपको बताते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि इस मकबरे की खूबसूरती ये जलमीरार बढ़ाता है। चारों तरफ ये झील जैसा माहौल है और बीचों बीच ये मकबरा है। कहा जाता है कि इस जो ये झील है, इसे पानी लाने के लिए भी कई सारी व्यवस्थाएँ की जाती है। यहाँ के जो देख रेख करते हैं स्थानीय लोग, ये भी हमारे साथ है। अच्छा, ये पानी कहाँ से यहाँ स्टोरेज होता है? पानी यहाँ पर चारों बरसात का पानी भी है और उसके बाद में चारों कोण पर एक बहुत बड़ा बड़ा इनार है, उसी कुआं से पानी आता है यहाँ पे, और साइड से निकासी नहर भी है, उस नहर से ही पानी आता है और जाता है। अच्छा, लोग मुझे बता रहे थे कि शेर शाह सूरी के जो पिता हैं उनका भी मकबरा इस जगह पे। हाँ, वो है हसन शाह सूरी, उनके पिताजी का मकबरा है, यहाँ से तकरीबन 300 मीटर दूरी पर है। अच्छा, आप देख रहे होंगे, मैं देवेंद्र से कहूंगा आपको वो तस्वीरें दिखाएगा। कहा जाता है कि जब भी किसी भी बड़े बड़े महल के पास हम लोग जाते थे, तो जब जो लोग उनसे ज़्यादा प्यार किया करते थे, उनका वो महल भी दूर में ही नहीं नज़दीक में ही बनाया करते थे। उसी तरह शेर शाह सूरी का जहाँ पे मकबरा है, उसके ठीक सामने आप तस्वीरों में देख लें, वो जो तस्वीरें धुंधली सी नज़र आ रही है, यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर वो मकबरा है जो उनके पिता का भी है। तो पूरे परिवार का इस जगह पर मकबरा है जिसे लोग देखने के लिए आते हैं, क्योंकि ये इतिहास है। शेर शाह सूरी का एक बड़ा नाम हुआ करता था, उन्होंने अपने दौर में कहा जाता है कि मुगलों को हराकर इस जगह पर अपना राज कायम किया था, और इसी तरह जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो यहाँ के लोगों ने उनके जो चाहने वाले थे, जो उनके परिवार के लोग थे, उनके सम्मान में, उनके याद में इस मकबरे को बनाया था। और जो मकबरा आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यह मकबरा यादगार है क्योंकि इसे देखने के लिए हजारों लाखों लोग विदेश से भी यहाँ आया करते हैं और ये जाना करते हैं कि आखिर इस मकबरे को कितने प्यार से और कितनी मेहनत और कितनी शिद्दत से बनाया है उनके परिवार वालों ने।